नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीना। शुरुआत करेंगे दुर्ग की अहम खबर के साथ, जहां दम घुटने से पति पत्नी की मौत हो गई। घर में आग लगने के कारण मौत हुई। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड की पूरी घटना है। जामुल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आग कैसे लगी, क्या कारण थे, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां दम घुटने से पति पत्नी की मौत हो गई। घर में आग लगने के कारण मौत हुई। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड की घटना। जामुल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता मिथिलेश दुर्गे, मिथिलेश पूरा घटनाक्रम बताएं, कैसे लगी आग, कैसे पूरा हादसा हुआ? देखिए, आग लगने के कारण तो बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। ये पूरे घटना जो है भिलाई के हाउसिंग बोर्ड की है, जहाँ पर एक बुजुर्ग दंपत्ति घर में अकेले थे। वहां पर रात में कैसे आग लगी इसका पता नहीं चला। वहां पर एक कमरे में ही ये दंपत्ति सो रहे थे। इसी दौरान उनके जो आग से जो धुआं उठ रहा था, इस वजह से उनका दम घुटने लगा। और आज जब सुबह लोगों को ये मालूम चला कि घर से धुआं उठ रहा है, उन्होंने तत्काल पुलिस को और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर वहां पर जब पुलिस और वो पहुंची तो दंपति बेहोश पड़ी हुई थी। जब उनको अस्पताल लेकर गया है तो चिकित्सकों ने उन्होंने मृत घोषित कर दिया। तो इस तरह से एक बड़ी और दुखद घटना हुई है। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार वजह क्या थी, किन कारणों से वो आग लगी थी और कैसे उनकी दंपत्ति की मौत हुई है। लेकिन ये जो प्राथमिक जो यही वो यही है कि उनके कोई जलने के निशान नहीं मिले हैं। बस ऐसा माना जा रहा है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो दम घुटने की वजह से मौत की जानकारी है, मामले की जांच पुलिस कर रही है। और अब बात करेंगे दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की, जहां सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि डीआईजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा के गमपुर के जंगलों में मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से हुई गोलीबारी। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली फरार हो गए। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। खबर दंतेवाड़ा से है, सूत्रों के हवाले से खबर है, डीआईजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा के गमपुर के जंगलों में हुई मुठभेड़। दोनों ओर से हुई गोलीबारी। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली फरार हुए। संवाददाता सुशील जुड़ गए, सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, दंतेवाड़ा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है, पूरी जानकारी क्या है? और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमा क्षेत्र में जंगलों में मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से गोलीबारी हुई है, जिसमें कुछ नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी आ रही है, पर इसकी आज अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों से ही नक्सली अपना चारों दिशाओं में तांडव मचाए हुए हैं। कल नए कैंप खुलने के पर भी वहां पर भी पीएलजी से द्वारा फायर किया गया था और कई घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की, पर उनका जवाब में सुरक्षा बल तगड़ा जवाब दिए, जिससे ना नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि नक्सली बौखलाहट में है कि रोज नए नए कैंप खुल रहे हैं। यही वजह है कि नक्सलियों के द्वारा इस तरह का करतूत को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि यह मुठभेड़ जो हुई है, यह मुठभेड़ गमपुर के जंगलों में हुई है, जो दंतेवाड़ा के सीमा क्षेत्र में पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। और अब बलौदा बाजार से खबर है, जहां राजस्व मंत्री के गृह जिले में रेत का अवैध खनन देखने को मिल रहा है। 30 से ज्यादा हाइवा और 7 माउंटेन टिन जब्त कर ली गई हैं। स्पेशल टीम बनाकर कार्रवाई की गई। रात में शुरू हुई कार्रवाई, बड़ी मात्रा में बगैर रॉयल्टी पर्ची और ओवरलोड इकाइयां जब्त कर ली गई। संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए। योगेश, अवैध खनन पर बड़ा एक्शन लिया गया है, पूरी जानकारी दें, क्या कुछ जब्ती इस दौरान? जी रेणु, आपको बता दी कि अवैध खनन को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें राजस्व जो हमला है, एसडीएम तहसीलदार की पूरी जो टीम है, उन्होंने लगभग कुछ देर पहले अपडेट की थी, लेकिन अब पता चला है कि 50 से ज्यादा हाईवा को जब्त किया गया है। वही 7 चेन माउंटेन भी जब्त किया गया है, जिससे रेत निकालने का काम किया जाता था। आपको बता दें कि राजस्व मंत्री जो टंकराम वर्मा जी है, उनका गृह जिला और गृह जिले में ही रेत का अवैध खनन चल रहा है। इसको लेकर न्यूज 18 ने आज से 15 दिन पहले भी महानदी में रेत खनन को लेकर एक खबर बनाई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने बैठक ली और बैठक लेने के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें बिना रॉयल्टी के जो 2500 रुपए हाईवे का चालान काटा जाता था, वे किसी भी हाईवे में रॉयल्टी नहीं था। 50 से अधिक जो हाईवे है उनको जब्त किए गए हैं। वाहन मालिक को जो अवैध जो रेत खनन चलता है
उसमें अधिक मात्रा में रेत भरने पर रॉयल्टी काटी जाती है, साथ ही साथ जो वसूला भी जाता है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी थी जो वाहन मालिकों द्वारा नहीं किया जा रहा था। आपको बता दें कि अवैध रेत खनन को लेकर कलेक्टर सजग है और लगातार कार्रवाई की जा रही थी। कल बीती रात जिले के जितने भी एसडीएम तहसीलदार राजस्व अमला है उन्होंने पूरे जितने भी रेत घाट है उसमें जाकर पहुंची, जिसके बाद आईवा चैन माउंटेन जेसीबी तमाम तरह के अवैध खनन कार्य में लगे वाहनों को जब्त किया गया है। साथ ही साथ ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट है बाजार जिले के अलग अलग विकास खंडों की है। अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है कि आखिर कितने हाईवा और कितने चैन माउंटेन को जब्त किया गया। राजस्व मंत्री का आदेश था, आदेश के बाद ये कार्यवाही साफ देखती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब ये कार्रवाई लगातार जारी है और बड़ी मात्रा में जो मशीनें लगी थी काम में उन्हें जब्त कर लिया गया है, आगे भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जगदलपुर से बड़ी खबर, खाद्य विभाग ने किया छात्रावासों का औचक निरीक्षण, मेस में शिकायत मिलने के बाद ही निरीक्षण किया गया। 41 खाद नमूनों में से 6 नमूनों में गड़बड़ी पाई गई है, जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं सैंपल। खाने में शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच का आदेश दिया था, छात्रावास अधीक्षकों को चेतावनी भी दे दी गई है। और संवाददाता श्रीनिवास जुड़ गए। श्रीनिवास, किस तरीके से ये पूरी शिकायत मिली थी और इसमें एक्शन लिया गया? हॉस्टल के खाने में जो सैंपल पाए गए हैं, 6 सैंपल गड़बड़ पाए गए हैं। जी बिल्कुल, ये बीते दिनों जो एकलव्य छात्रावास के जो छात्र हैं वो खाने में मेज को लेकर शिकायत किए थे, इसके बाद ये सड़क में बैठ के जाम भी कर दी थी। इसके बाद जिला कलेक्टर ने सहायक आयुक्त को निर्देशित किया कि जांच करे और जांच में जब छात्रावास का निरीक्षण किया गया तो वहां पर काफी मात्रा चीजें गड़बड़ी पाई गई, जिसके चलते एक छात्रावास अधीक्षक को भी निलंबित कर दिया। इसके अलावा जिले में जितने छात्रावास है उसकी जाँच करने के आदेश देने के बाद जो खाद्य औषधि विभाग है और एसडीएम की टीम है छात्रावास का औचक निरीक्षण किया, जहां पर 41 जो नमूने पाए गए उसमें 6 नमूनों में अमानक चीजें पाई गई और जो वहां पर जो खाद्य सामग्री था वो भी काफी पुराना था, जिसे तत्काल ही नष्ट करने के आदेश दिए गए। साथ ही जो शहर में दूध से बने जो पनीर है जो संचालित होते हैं, जो डेयरी है, उन पर भी एक्शन लिया गया और सभी जगह जाके छापा मारा गया और सभी सैंपलों की जांच की, जो सैंपल है वो प्रयोगशाला राजधानी रायपुर भेज दिया गया और साथ ही सभी छात्रावास अधीक्षकों को सख्त चेतावनी दी गई कि बच्चों के खाने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं दी जाएगी और आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब देखिए कि हॉस्टल के खाने में गड़बड़ी पाए जाने पर जो खाने हैं उसके सैंपल लिए गए हैं, 6 सैंपल में गड़बड़ी पाई गई है, जांच के लिए भेज दिया गया है लैब में और अब औचक निरीक्षण लगातार जारी रहने की बात भी कही गई है। खबर अंबिकापुर से, दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई, हथियारों से लैस लोगों ने जमकर मारपीट की, कार में तोड़फोड़ भी की गई है। मारपीट के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो देर रात का ये पूरा घटनाक्रम है, तस्वीरें भी आप देखिए जब पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी गई। खबर मुंगेली से, पति पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। मृतका के परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। दूसरी शादी करने के विवाद में पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। पति सास ससुर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया, आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। राजनांदगांव में जवानों के नए बेस कैंप का शुभारंभ, नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए नया बेस कैंप खोला गया। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित है कैंप, नक्सलियों पर अंकुश लगाने के लिए राजनांदगांव पुलिस की पहल देखी गई है। तो नक्सलियों पर नकेल की तैयारी, और जैसा कि आपको मालूम है लगातार जो नक्सली है बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और इसके चलते काफी आक्रोशित भी नजर आए। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री साई समेत 54 विधायकों का आज से दिल्ली दौरा, बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने जाएंगे दिल्ली, शाम को रायपुर से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। सांसद और जिला अध्यक्ष समेत संगठन के अन्य पदाधिकारी भी इस दौरान शामिल रहेंगे। 17-18 फरवरी को होंगी बैठकें, लोकसभा की तैयारी पर चर्चा होगी। 400 के पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी, राज्य की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य है। और संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गए। आकाश, दिल्ली दौरे पर सीएम, और इस दौरान देखा यह जा रहा है कि सीधे लक्ष्य है लोकसभा चुनाव, राज्य की 11 की 11 सीटें जीतने को लेकर लगातार मंथनों का दौर जारी है। आकाश
जी बिल्कुल, देखिए 17 और 18 तारीख को दिल्ली में महाअधिवेशन है, यहाँ से छत्तीसगढ़ से भी तमाम जो नेता हैं वो जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह और विधायक मंत्री जो हैं वो शाम को नियमित विमान से निकलेंगे। इसके साथ ही जो है सांसद, जिला अध्यक्ष व अन्य जो कार्यकर्ता है वो जा रहे हैं। करीब 350 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं और वहाँ पर जो है महाअधिवेशन में शामिल होंगे, बैठक में शामिल होंगे। मुद्दा एक ही है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और जिस तरीके से देश भर में बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है उस पर ही मंथन चलेगा, उस पर ही रणनीति होगी। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और इसे 11 की 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर बीजेपी काम कर रही है। यही कारण है कि वहाँ पर इसको लेकर भी रणनीति बनेगा और किस तरीके से लोकसभा चुनाव में मुद्दे उठाना है, लोगों तक जाना है, इस पर भी चर्चा होगी। हालांकि इसकी तैयारी बीजेपी ने पहले से ही कर दी है क्योंकि लगातार जो है गांव चलो अभियान चल रहे हैं, कई जो विपक्षी दलों के बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेनिंग लोकसभा के मद्देनजर बीजेपी करते नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए आकाश। तो इस तरीके से आप देखिए कि लगातार कोशिश यही कि राज्य की 11 सीटें जीते और इसके चलते बैठकों का दौर जारी है। 17 और 18 फरवरी ये दो दिन ये अधिवेशन चलने वाला है। बात आईआईटी भिलाई की करेंगे जहां आईआईटी भिलाई का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 20 फरवरी को एक भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय आईआईटी परिसर में रहेंगे मौजूद। सीएम साय उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और ये एक बड़ी उपलब्धि भिलाई के लिए है, छत्तीसगढ़ के लिए है, जहां पर आईआईटी भिलाई का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को वर्चुअली करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौके पर मौजूद रहेंगे। किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस का छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। किसान संगठनों ने किया है भारत बंद का ऐलान। कांग्रेस ने बंद को लेकर जिला अध्यक्षों को निर्देश भी दिया है। कांग्रेस का किसानों के बंद को सफल बनाने की अपील की गई है और आप ये देखिए कि कांग्रेस समर्थन करती आ रही है बंद को और कांग्रेस का किसानों के बंद को लेकर समर्थन साफ तौर पर देखा गया है। तो बंद की जो कुछ तस्वीरें आप देखेंगे, पूरा मार्केट बंद है, बाजार बंद है और संवाददाता ममता लांजेवाल जुड़ गई। ममता, किसानों के बंद के आह्वान और इस दौरान कांग्रेस भी समर्थन देती हुई नजर आई। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ पर हुई थी तो यहाँ पर एक घोषणा भी हुई है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो स्वामीनाथन जो कमेटी की सिफारिशें हैं वो उसके हिसाब से किसानों को MSP के हिसाब से जो है वो उनको दाम दिए जाएंगे और एक बड़ी घोषणा लोकसभा के मद्देनजर जो है वो देखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो किसान इसी मसले को लेकर जो है वो आंदोलन पे हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि हम उन्हें समर्थन देते हैं। पूरे देश भर में जो है वो AICC की तरफ से आदेश जारी हुए हैं कि कांग्रेस जो है वो जो किसान है उनको समर्थन दे और इस बंद में शामिल हो। आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। पूर्व विधायक धनेंद्र साहू जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इसके साथ ही वो बताने वाले हैं कि किस तरीके से जो है कांग्रेस जो किसान सड़क पर उतरे हैं उनके साथ में है। अगर आप शहर की तस्वीर देखी जाए तो ये अभी तो नहीं कांग्रेस के लोग निकले हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जो है वो सड़क पर निकले और शहर में बंद का साफ तौर पर कांग्रेस PCC अध्यक्ष दीपक बैज का भी बयान कल हमने दिखाया था कि हम इस बंद को समर्थन दे रहे हैं और लगातार किसानों के साथ खड़े रहेंगे, आने वाले समय में सड़क पर भी उतरेंगे। तो जाहिर तौर पर पूरा समर्थन जो है पूरे प्रदेश भर से कांग्रेस का ऐसा दावा है कि उसको दिया जा रहा है और उसका असर दिखाई देगा। फिलहाल अभी बंद की शुरुआत ही हुई है, देखना यह है कि शाम तक के कितना असर जो है वो दिखाई देता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अभी तो बंद का असर देखने को मिला, शाम तक कैसा माहौल बनता है ये भी देखना होगा। रायपुर में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। MSP गारंटी को लेकर किसानों का प्रदर्शन जोरों शोरों से चल रहा है। अलग अलग स्थानों पर किसान संगठन कर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरंग में भी किसान संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और चलिए अब खबर दुर्ग में, मकान में आग लग गई। भीषण आग लगने की बात सामने आई है। मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। भिलाई के तालपुरी की पूरी घटना है।
अग्निशमन दस्ते ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आई है। तो दुर्ग में मकान में लगी भीषण आग, मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। और अब बलौदाबाजार से बड़ी खबर है, जहां जिले में धड़ल्ले से जारी अवैध ईंट भट्टे का काम। कलेक्टर और खनन विभाग की कार्रवाई के बाद भी नहीं थम रहा अवैध काम। बिना चिमनी और नियमों को अनदेखा कर जारी है अवैध ईंट भट्टे। गिधौरी और पलारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिना चिमनी के चल रहे अवैध भट्टे, तो ईंट बनाने का काम जारी है। और इसके लिए देखिए, आपको लाइसेंस लेना होता है, लेकिन यहां पर अवैध तरीके से ईंट भट्टे संचालित हैं। ये हमारे द्वारा किया जा रहा है, हमारे यहाँ खनन विभाग है, उसके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है कि ऐसे कहीं पे भी जो अवैध ईंट भट्टा चल रहा है उसके ऊपर हम लोग उसको रोक सके। आपके द्वारा जो संज्ञान लिया गया, निश्चित तौर पर वहां भी टीम भेज के इसकी जाँच कराई जाएगी। सूरजपुर में बाल विवाह रोकने पहुंची टीम। अलग अलग गांव में हो रहे 3 बाल विवाह को रुकवाया गया। परिजनों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए दी गई समझाइश। रामानुजनगर ब्लॉक का पूरा मामला है। बाल संरक्षण इकाई और पुलिस के संयुक्त टीम की कार्रवाई। और इस दौरान आप ये देखिए कि सूरजपुर में 3 जगह बाल विवाह हो रहा था, जिसे टीम ने रुकवा दिया है। बाल संरक्षण इकाई और पुलिस ने तत्परता दिखाई। पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई के दौरान इन बाल विवाह को रुकवाया गया। खबर कवर्धा से, 100 से ज्यादा लोगों के नाम फर्जी फाइनेंस। जी हां, 2 पहिया गाड़ियां फाइनेंस करा दी गई और ये फर्जी तरीके से फाइनेंस करवाई गई हैं। 75 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है राशि। आधार कार्ड पर कराई गई गाड़ियां फाइनेंस। शोरूम संचालक और फाइनेंस कंपनी ने शिकायत की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जगदलपुर में इंद्रावती टाइगर रिजर्व से वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर आई है। यहां कैमरा ट्रैप में 6 बाघ दिखाई दिए हैं। 2021 के बाद यहां दोबारा बाघों की गिनती हो रही है। देहरादून से आई टीम ने यह सर्वे कर जानकारी दी है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व 2,990 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह टाइगर रिजर्व पूरा बफर जोन है। टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। ट्रैप में केवल एक ही बाघ आया था, लेकिन उससे पहले 2021 में यहाँ से जो कैमरे ट्रैप से फोटो लिए गए थे, उसमें 6 उनको हमने परीक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून को भेजा था। वहाँ से 6 बाघ के कंफर्मेशन रिपोर्ट हमें मिली है। उस लिहाज से 6 बाघ का विचरण क्षेत्र है वो। सर अभी भी सर्वे चल रहा है? हाँ, अभी फेज 4 मॉनिटरिंग के तहत उनके लिए कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं और इसमें एरिया की सेंसिटिविटी को देखते हुए जहां तक संभव हो कैमरे लगा। और चलिए अब देखेंगे खबरें टॉप 20। दुर्ग में